बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजीबुल हबीब और आप देख रहे हैं मुबीनार टीवी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में है, इस टैबलेट के बारे में, डेल्टा गार्टलिसी प्रेडनिसोलोन। इसका जो साल्ट है ये आमतौर पर स्टीराइड है। हमारे एक फ्रेंड ने इसे सवाल किया था हमसे कि ये इसके पैक पर इंटेरिक कोटेड क्या मेंशन है, ये शायद आपको नज़र आ रहा हो। तो हम इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताएंगे कि ये क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अगर तो वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, ये टैबलेट है डेल्टा गार्टल ईसी। ये जो टैबलेट है स्टीराइड टैबलेट है, इससे बहुत ही मखसूस लोगों को, अगर तो डॉक्टर हज़रात जो हैं उन्हें महसूस हो कि इसकी ज़रूरत है स्टीराइड की, इसे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे सेल्फ़ मेडिकेशन के तौर पर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसकी मखसूस डोज़ होती है, मखसूस दिन तक यूज़ करनी होती है, इसलिए एहतियात करें। तो हम आपको बताते हैं कि एंटेरिक कोटेड का क्या मकसद है। दोस्तों, अगर आप ये देख रहे हो इस टैबलेट के ऊपर एक आपको लेयर नज़र आ रही है, इस लेयर को ही एंटेरिक कोटेड कहते हैं, यानी कि ईसी का जो मीन है इस लेयर की वजह से है। इसका मकसद ये है कि अगर ये टैबलेट जाकर आपके जो स्टोमिक में डिज़ाल्व होती है तो वहाँ पर साइड इफ़ेक्ट करेगी, इसलिए इस पर एक ऐसी तय चढ़ा दी जाती है कि जो आपके स्टोमिक में डिज़ाल्व ना हो, आपके इंटेस्टाइन में डिज़ाल्व हो और आपका स्टोमिक जो है इसके साइड इफ़ेक्ट से बच जाए। यानी इस टैबलेट का मकसद ये है, बनाने का मकसद, कि आपके स्टोमिक में डिज़ाल्व ना हो तो वहाँ पर कोई साइड इफ़ेक्ट ना करे, बस यही इसका मकसद है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इस टैबलेट के बारे में। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।